أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزء نمبر 5 سورة النساء आयत नंबर वन थर्टी फाइव एक सौ पैंतीस ए लोगो जो ईमान लाए हो आमनु यानी ईमान लाए हो या पुकारा जा रहा है ना ए लोगो इसको आमनु जो ईमान लाए हो ईमान वालों को नो कब वामीना हो जाओ कब वीना कायम होने वाले बिलकश्ती साथ इंसाफ के शोहद गवाही देने वाले लाही अल्लाह के लिए यानी ईमान वालों तुम हर हाल में इंसाफ पर कायम रहने वाले हो गवाही देने वाले अल्लाह के लिए यानी अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए गवाही दिया करो बंदों की रजा के लिए या सिर्फ बंदों के लिए खुशी बंदों की खुशी के लिए ही नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए क्योंकि अगर इंसान अल्लाह की रजा के लिए गवाही देगा तो वो गवाही अदिल वाली होगी इंसाफ वाली होगी वो सच्ची होगी वो हक पर मबनी होगी और अल्लाह और अगर इंसान अल्लाह की रजा को भुलाकर किसी दूसरे इंसान की खातिर या उसकी रजा के खातिर गवाही देगा तो वो जो गवाही होगी वो अदल और इंसाफ पर मबनी नहीं हो सकेगी क्यों क्योंकि इंसान की एक तरफ झुकाव हो सकता है ना इंसान उसी के फेवर में गवाही देना पसंद करेगा ना जिस इंसान को पसंद करता है और उसी के हक में बात करेगा और दूसरे के वो मुखालिफ बात करेगा तो इसलिए अल्लाह की खातिर गवाही देने को कहा जा रहा है वलऊ अला और अगर ये तुम्हारे अपने नफ्सों के वलव अला अनफुसिकम और अगर अगरचे तुम्हारे अपने नफ्सों के खिलाफ हो यानी अगर ऐसी गवाही हो कि जिसकी जद में तुम खुद भी आते हो तुम्हारे अपना कोई नुकसान भी होता हो ऐसी कोई गवाही देने से तुम्हारा अपना कोई फायदा जो है तो वो रुकता हो कोई नुकसान होता हो लेकिन फिर भी फिर भी अविल वाली या फिर अग, के खिलाफ यानी जो अला का जो लफ्ज आ गया ना वाली वलव अगरचे यानी जो अगरचे इसी के आगे बात हो रही है कि अगर वो तुम्हारे अपने नफसों के खिलाफ है अगर तुम्हारे या के खिलाफ जाती है बात लक्रबीना और रिश्तेदारों के अगरचे यानी दोनों तो इस बात में आ रहा है कि अगर वाले के किसी ज्यादती के खिलाफ तुम्हें बात करनी पड़े अगर तुम्हारे वालदे कोई ज्यादती कर रहे हैं और तुम अ, अ, उनके उनके खिलाफ गवाही देनी पड़े तो अदम अदब और एहतराम अपनी जगह मगर गवाही के मामले में इस उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा गवाही दी जाएगी भले उनके खिलाफ जाए वाली और रिश्तेदारों के खिलाफ भी अगर जे अक्रबीन में से कौन लोग होते हैं अक्रबीन वालदेन के बाद वालदेन का तो जिक्र आ गया ना वालदेन के बाद औलाद होती है ना बहन भाई और रिश्तेदार मामू मामो मा, खाला पुपी मा, नाना दादा ये सारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना करीबी इनको ये अक्रबीन में शामिल होते हैं तो खुलासा यहाँ तक ये बनता है कि अहले ईमान ईमान वालों को खास तौर पर कहा जा रहा है याद रखिए या अयीना आमनो कि ऐ ईमान वालों कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले खुद इंसाफ की पैरवी करना यानी खुद करना इंसाफ फिर क्या करना अच्छी और ठीक तरह गवाही देना चाहे उस गवाही में तुम्हारा अपना जी नुकसान हो या फिर तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो लेकिन तुम इंसाफ पर गवाही देना अल्लाह की रजा को सामने रखते हुए इंसाफ पर कायम रहना और हक की बात करना सच की बात करना और वो बात करना जो हक है अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखना मद्देनजर वाले या रिश्तेदार या अपना आप या अपना कोई फायदा या ये सब चीजें मद्देनजर नहीं रखना बल्कि अल्लाह को मद्देनजर रखना और ईमान वालों को खड़खड़ाया अल्लाह ने आगे चलती हूँ दोबारा इसके खुलासा करेंगे इन यकुन अगर वो होंगे अगर वो होंगे मालदार यानी जिसके खिलाफ तुम गवाही देने जा रहे हो हक बात बताने जा रहे हो अगर वो तुम्हारे बड़े फेवरेट है बड़े अमूमन लोग अपने अमीर लोगों के को पसंद करते हैं ना हालांकि उन्होंने देना दिलाना कुछ नहीं होता लेकिन ये एक बड़ी इंसानी फितरत है कि जो मालदार लोग होते हैं या अमीर लोग होते हैं दूसरे उनसे मरूब हो रहे होते हैं ना उनको पसंद कर रहे होते हैं तो यहाँ ये बताया जा रहा है इन यकुन गनी या अगर वो हो मालदार तो भी अगर वो बेशक तुमने उनके खिलाफ गवाही देनी है तो आ, देनी पड़ेगी या औ फकीरन या फिर मोहताज हो क्योंकि देखिये मोहताज जो होता है ना उसके ऊपर लोग तरस का लेते हैं बाजात की अच्छा अब इसके खिलाफ हमने बात कर दी इसका तो और नुकसान हो जाएगा तो बात यहाँ ये यह कही जा रही है कि अगर कोई मालदार हो तो फिर उसकी मालदारी से मरूब नहीं होना और उसके उसके खिलाफ जो गवाही देनी है उससे रुकना नहीं है और अगर कोई गरीब है तो फिर उसके उसके गरीबी वाले स्टेटस को देख के भी रुकना नहीं है कि भाई अरे अरे भाई क्या हम अब इस बेचारे गरीब के ऊपर गवाही दें नहीं उसके बात ये हो रही है कि मोमिनों को कि कोई अमीर है या गरीब है दोनों के स्टेटस को उसकी गरीबी या अमीरी को नहीं देखना बल्कि देखना यह है कि वो बात कौन सी सही है वो ठीक बात है या गलत बात है फ तो अल्ला ताला गरीब रिश्तेदार हो माँ बाप हो वाले हो, हो, हो अक्रबीन हो जो भी हो अल्लाह ज्यादा करीब है यानी ये जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ना कि जुर्म किसी का भी हो किसी के भी खिलाफ अगर बात करनी हो तो किसी भी वजह से आप झिझक ना जाओ झिझको नहीं रुको नहीं अगर आपने गवाही सच्ची देनी है तो आप किसी के खिलाफ वो गवाही जा रही है उसकी जद में आप खुद आ आ रहे रहे हो आपके बाप हैं रिश्तेदार आ रहे हैं कोई अमीर आ रहा है कोई गरीब आ रहा है ये आप आपका काम है सच्ची गवाही देना आपने आगे से उनको स्टेटस को या उनको नहीं देखना क्योंकि वो तो खुद अल्लाह के बंदे है ना अल्लाह उनके करीब है अल्लाह उनका खैर खा है

फलावा और तुम पैरवी करो ख्वाहिशात की और और ना तुम पैरवी करो फला तो ना मतलब नहीं फला नहीं नहीं तुम पैरवी करो ख्वाहिशात नफ्स की यानी आगे अल्लाह ने और भी ये समझा दिया कि अपनी ख्वाहिशात और अपने दिल की मर्जी के पीछे तुम चलकर अदल और इंसाफ को छोड़ दो तो कि मेरा तो ये दिल चाहता है चलो मैं ये बोल दू नहीं या मेरी ये ख्वाहिश है नहीं इंसान का अगर दिली झुकाव हो तो इंसान उसको कर लेता है ना उस उसी बात पर चल पड़ता है तो ऐसा नहीं है मुजरिम को बचाना गलत है चाहे कोई पसंदीदा इंसान ही क्यों ना हो आपने क्या करना है उसका साथ देना अगर साथ दिया तो ये जुल्म के जुमरे में आ जाएगा ना और ऐसा जुल्म, कर, अगर जालिम, जुल्म का साथ उसका अगर कोई साथ देता है तो वो भी जालिम के जुमरे में शुमार हो जाता है यानी कि अगर किसी ने कुछ किया है और आपको पता है और आप नहीं बता रहे हो चाहे वो माँ बाप हैं चाहे वो रिश्तेदार हैं तो आपको उस हक बात पता है लेकिन आप उनकी रिश्तेदारी को या उनके स्टेटस को या को या गरीबी को या अपने फायदे को या अपने को या अपनी ख्वाहिश को कहीं किसी चीज को मद्देनजर नहीं रखोगे बल्कि आप हक बात करोगे अगर नहीं करोगे तो आप भी जालिमों में शरीक हो जाओगे शुमार हो जाओगे आप चुप रहोगे नहीं बताओगे गलत बताओगे तो भी आप रिश्तेदार हों जो भी हो या जालिम हो कोई भी हो चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो आपने उनका साथ नहीं देना वरना क्या होगा यही लोग चाहे वो माँ बाप है चाहे वो रिश्तेदार है जो भी उनका साथ देगा न, तो क्या में ये लोग जो ालिम लोग होंगे ये उन लोगों के खिलाफ हो जाएंगे क्यों पकड़ लेंगे उनको कहेंगे इसने हमें रोका नहीं बल्कि इसने हमें समझाया नहीं इसने तो हमारा साथ दिया उल्टा हमें इस काम पे लगा के रखा उल्टा हमारे हाथ मजबूत किए हालांकि इसको तो चाहिए था ना कि इसको तो हमें रोकना चाहिए था इसका तो ये फर्ज बनता था ये थोड़ी ये उल्टा हमारे साथ मिल जाए और हमारे साथ मिलकर हमारे काम को बढ़ावा दे तो वो तो में लोग इस तरह के खिलाफ हो जाएंगे तो आयत पर आगे कहा है हवा अंत अदिलू ताकि तुम अदिल कर सको यानी कि तुम अदल तो तभी कर सकोगे ना जब तुम अपनी ख्वाहिशों को या अपनी रिश्तेदारियों को या अपने नफ्स को इन चीजों को तुम मद्देनजर नहीं रखोगे तभी तो तुम अदल कर सकोगे तुम अदल कब कर सकोगे ख्वाहिश के मुताबिक ना चलो ख्वाहिश के मुताबिक न चलोगे वरना तुम अगर ख्वाहिश के मुताबिक चले तो फिर अदल नहीं कर सकोगे क्योंकि बाजुकात इंसान के दिल में ना किसी के लिए बड़ी रंजिश होती है बड़ी दुश्मनी होती है तो वो फिर क्या करता है उसके हक में गवाही नहीं देता अदल से रुक जाता है बंदा अदल नहीं करता फिर इंसाफ नहीं करता सोचता है कि इसने तो मेरे साथ फैलाने टाइम ये किया था अब तो फंसा ना अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे अब मैं क्यों गवाही दू भला इसने तो फलाने तो फिर इस तरह इंसान अपनी ख्वाहिश की वजह से अदल नहीं कर सकता तो अल्लाह ने यहां मना कर दिया इस बात से कि तुम अगर तुम अंत अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम अदल नहीं कर सकोगे ना अगर तुमने अपनी अपनी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखा अपने दिल को ही सोचते रहे तो क्योंकि एक जगह कुरान का मफहम है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से ना रोक दे यानी अदल करो और तकवा करो तो बात क्या है बात यह है कि देखें दो चीजें हैं यानी मोहब्बत और दुश्मनी ये दोनों चीजें जो है ना इंसान को अदल करने से रोक देती हैं ये नोट करें अपने पास और जहन पे जोर दें कि वाकई ये दो चीजें ऐसी हैं ना एक मोहब्बत किसी से मोहब्बत ये भी उसके खिलाफ फिर गवाही देने से रोक देता है ना बंदा कि मुझे तो इससे मोहब्बत है और दुश्मनी कि मुझे तो दुश्मनी है मैं क्यों सच बताऊं ये बात तो इसके हक में चली जाएगी और जिससे घर मुझे मोहब्बत है मैं उसके खिलाफ क्यों गवाही दू अगर मैंने इसके खिलाफ गवाही दी तो मेरी तो मोहब्बत का ही तकाजा ना हुआ ना मैं तो मुझे तो प्यार है इससे मैं क्यों बताऊं तो ये दो चीजें जो हैं ये इंसान को रोक देती हैं किस बात से अदल से इंसाफ से हक बात कहने से रोक देती हैं तो आप इसका जायजा लें घरेलू जिंदगी में भी अमूमन इसकी बहुत सारी मिसालें होती हैं क्योंकि पीछे हमने जो चीजें पढ़ी हैं Uh, तो अगर किसी शख्स की uh, क्योंकि हम खा, uh, एक खान की जिंदगी को और शोहर बीवी और ये सब तलुकात हम पढ़ते पिछले आयात में आ रहे हैं तो आप ये सोचिए अगर किसी की दो बीवियां हैं वो एक से ज्यादा मोहब्बत करता है झुकाव नहीं, तो नहीं रखता उसकी बात को अदल ही नहीं उसके साथ करता तो अदल के तकाजे तो फिर पूरे नहीं होंगे ना अगर एक आदमी एक की तरफ झुकाव रखता है दूसरे की तरफ नहीं रखता ये भी अदल इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ जो है ना नफरत इस कदर होती है किसी के लिए इतनी रंजिश होती है दिल में कि फिर इंसान उस नफरत की वजह से उस लड़ाई की वजह से उस रंजिश की वजह से शिकवे शिकायत इतने होते हैं उनकी वजह से अदल इंसाफ नहीं कर सकता नहीं कर सकता ये चीजें उसके राह में आड़े आ जाती हैं मिसाल के तौर पर अगर दूसरी बीवी से एक बंदा तंग है एक बंदे की एक बीवी अच्छी और एक बीवी तंग है उससे तो फिर वो उसको वो हकूक नहीं देगा ना जब वो हकूक नहीं देगा जिससे वो वो जबान चलाती है या उसका ख्याल नहीं रखती या उसके मुताबिक नहीं है फर्ज करो किसी भी वजह से तो अगर वो उसके हकूक नहीं देगा तो क्या होगा अदल तो नहीं होगा ना फिर अदल तो नहीं होगा तो ये तो इस तरह का मामला हो गया तो ये जो मोहब्बत होती है ना या फिर दुश्मनी ये नोट रखे कि दोनों बातें जो है ये अदल से रोकती हैं तो होना क्या चाहिए होना यह चाहिए कि मोहब्बत हो या दुश्मनी हो दोनों सूरतों के अंदर अदल करना है इंसाफ करना है हर गज इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ना किसी की तरफ भी झुकना नहीं है ऐसा ना हो कि कोई तारीफें करने लग जाए तो बंदा उसकी तरफ झुक जाएगा ये तो बड़ी मेरी तारीफें करता है ये तो मुझे बड़ा अच्छा इंसान समझता है तो कोई इसकी नजरों में अब मैं तो बड़ा अच्छा हो गया हूं अब मैं इसके खिलाफ गवाही कैसे तू हालांकि गलती भी इसकी है लेकिन इसने मेरी जो तारीफ कर दिया नहीं बिल्कुल नहीं और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर कोई शख्स बुरा भला कह दे या फिर तनकीद कर दे या कोई हमारे ऊपर कोई ऐसी बात कर दे अब हमें दिल में दुश्मनी आ जाए दिल में रंजिश आ जाए अब तो उसके उसके सिलसिले में भी फिर उस वजह से कि छोड़ो इसने तो हमें बड़ा तंग किया हुआ है इसने तो हमारा ये किया हुआ है इसने सिलसिले में इस रंजिश इस दुश्मनी की वजह से भी इंसाफ से नहीं हटना हर गिज इंसाफ से नहीं हटना चाहिए ये आयत ये पैगाम दे रही है और ये अदलो इंसाफ जो है ना जिंदगी के हर मामले में हर जगह हर शोबे में हर वक्त हर लम्हा रखना चाहिए यानी अगर औलाद के औलाद के दरमियान भी है तो आ, आ, बास ओकात ऐसा होता है ना कि औलाद में से अगर किसी एक बच्चे को किसी अच्छे रवैये की वजह से उसका रवैया अच्छा है नेक है बहुत ज्यादा माँ बाप की खिदमत करता है तो फिर उसे माँ बाप क्या करते हैं ज्यादा नवाजने लग जाते हैं अपना जो कुछ होता है कहते हैं इसको ही देंगे ये ज्यादती है ये बात जो है ना ये 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 बात के उस औलाद को तो इंसान ज्यादा करे और बाकियों बाकी अंदाज करे तो क्या होगा ये कुरान के इस इसम के खिलाफ होगा ये नोट कर लें कि अगर किसी औलाद के अच्छे रवैये की वजह से उसका उसको तो सब कुछ दिया और बाकियों का हक भी उसको दिया तो ये कुरान की इस आयत के खिलाफ होगा इस हुक्म के खिलाफ होगा मीना बिलकिस इंसाफ करो जो जिसका हिस्सा है उस, उसको दो इंसाफ पर कायम नहीं रह सकोगे इंसाफ के अगर किसी बच्चे की मोहब्बत की वजह से उसको बाकी बच्चों पर तरजीह दोगे फोकियत दोगे तो वह इन तल व इन तलबू और अगर तुम आगे आयत में आ रही हूँ वह इन तल तो और अगर तुम कज, कज कज कजी करोगे कमी करोगे यानी कज बयानी करोगे और तुम क्या करोगे तुम मोड़ दोगे और तुम तो रिदू और बरतोगे तो पहले इन तलबू पे आती हूँ कि अगर तुम कजी करोगे यानी इसका मतलब होता है मोड़ दोगे यानी कुछ इंसान मोड़ तोड़ के भी बातों को पेश करते ना बात कुछ होती है तो कहा यह जा रहा है कि जब तुम गवाही दे रहे हो कोई बात बता रहे हो तो बात को मोड़ तोड़ के पेश ना करो सीधी बात करो जो मायने बातें नहीं करो कि जिसके दो मतलब निकल जाएंगे यूं भी हो सकता है यूं भी हो सकता है नहीं सीधी बात करो अंतल वो बिल्कुल सीधी सच्ची खरी बात करो और तो और एराज नहीं बरतो यानी अगर तुम कजी करोगे यानी टेढ़ी बात कजी यानी टेढ़ी करोगे बात को आ, आ, कुछ का कुछ बताओगे उसमें आगे पीछे कर दोगे ऊपर नीचे कर दोगे जू मायने कर दोगे बात को सीधी नहीं करोगे लफ्जों में उलझा दोगे मफहूम में उलझा दोगे या फिर दूसरी सूरत क्या एराज बरतोगे तो और एराज बरतोगे यानी इग्नोर ही कर दोगे गवाही नहीं दोगे शहादत से बचना चाहोगे ही फेर लोगे, इग्नोर कर दोगे या जो काम करना चाहिए वो नहीं करोगे ये सब इस में आता है। गवाही देने के लिए यानी जब तुमको बुलाया जाए, तुमसे पूछा जाए तो तुम गवाही नहीं दोगे तो क्या होगा का ना तो याद रखना कि जो भी अमल तुम करते हो बेशक अल्लाह पूरी तरह बाखबर है अल्लाह जानता है तुम ना बताओ तो क्या अल्लाह को खबर ना होगी अल्लाह को तो खबर है तुम ना तुम बात को मोड़ दो कुछ का कुछ कर दो तो क्या हकीकत बदल जाएगी नहीं अल्लाह को तो सब खबर है तुम गवाही देने से पीछे हट जाओ तो क्या हकीकत छुप जाएगी नहीं अल्लाह को तो सब पता है नबी करीम वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन गवाह वो होते हैं जो गवाही ले आते हैं उससे पहले कि उनको कहा जाए यानी फिर उनकी नबी करीम के फरमान के मुताबिक उनकी मिन्नतें ना करनी पड़ जाए या उनको रिश्वतें दे के या उनकी खुशामतें करके या उनकी उनको बुला बुला के के फौरन आओ खुदा के लिए आओ अल्लाह की खातिर आओ कि कुछ करके आओ उनकी खुशामतें तुम बड़े अच्छे इंसान हो खुदा के लिए हमसे कुछ ले लो कुछ कर लो नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो तो फौरन हाजिर हो जाते हैं अपना फर्ज समझकर क्योंकि ये एक फरीजा है और उनको पता होता है कि ये फर्ज है हमारे ऊपर शुहदा अल्ला इसका तो मतलब ही यही ना कि अल्लाह के गवाह बन जाओ यहाँ यानी गवाही की जरूरत है जहां पर पड़ती है वहां गवाही दो अल्लाह के गवाह समझकर खुद को अल्लाह के गवाह समझकर ये नहीं कि वहां पे फिर आ, जाओ नहीं वहां छुप जाओ ऐराज नहीं करो वहां पर कि हम हमें गवाही ना देनी पड़ इसलिए यहाँ से हट ही जाओ तो अच्छा है हम सूरह पीछे बकरा में भी आइट नंबर टू एटी थ्री में पढ़ के आए हैं कि जो कोई गवाही को छुपाएगा तो वो उसका दिल गुनागार होगा यानी जो गवाही नहीं देगा वो शख्स तो फिर गुनागार होगा ना तो ना, ना करो बात को बदल यानी किसी के साथ नाइनसाथी ना करो बात को बदलो नहीं इधर की बात उधर नहीं कर दो नंबर थ्री हक बात करो यानी और उसमें टेढ़ी बात नहीं करो सीधी सीधी बात करो ऐसी जो सबकी समझ में आए और हक बात की गवाही दो अपने मफादात की खातिर और अपनी ख्वाहिशों को नहीं देखो कि मेरा कौन सा फायदा हो रहा है हो रहा कि नहीं हो रहा हो रहा है तो मैं बात करूं नहीं हो रहा तो छोड़ो मुझे क्या जरूरत है इसके मामले में पढ़ने की नहीं ये तर्ज अमल गलत है मोमिनों को पुकार के कहा अल्लाह ने ए ईमान वालों तो फिर ईमान वालों को भी सोचना चाहिए ना तो इस आयत में बड़ी ही सबक की बातें बड़ी समझने की बातें बड़ी नोट करने की बातें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने की बातें बातेंगे तो देखें सबसे पहली बात ये इससे जो हमें सबक मिलता है क्योंकि हर इंसान देखें अकेला तो नहीं होता ना उसका कोई खानदान होता है माँ बाप होते हैं बहन भाई होते हैं बीवी बच्चे रिश्तेदार है बाप सब होते हैं ना एक इंसान एक कुंभा होता है जुड़ा होता है लोगों से तो ये आयत हर जगह पर हमें जरूर, जरूर देखें इसके असरा नजर आते हैं तो बाजात खानदान में झगड़े होते हैं कारोबार में भी झगड़े होते हैं या किसी के साथ झगड़े होते हैं उनके लिए सुलह के लिए जब उनकी सुलह करानी मकसूद होती है तो गवाही की जरूरत पड़ती है ताकि उनके उनका झगड़ा क्यों हुआ है क्या वजह है कौन हक पर है कौन ना हक पर है अमूमन लोगों के खानदान में झगड़े हो जाते हैं जमीनों पे कारोबारों पे घरों पे बहुत सारे तो फिर क्या है हक बात की गवाही देनी होती है तो पता चलता है कि ऐसे मौकों के लिए इस आयत के अहकाम पर अमल करना पड़ेगा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इंसाफ पर कायम रहना पड़ेगा चाहे कोई भी हो ना फरीक हमेशा हक का साथ देना है इंसाफ और अदल पर ही कायम रहना है तो दूसरी बात यह है कि गवाही जो है ना वो अल्लाह की रजा के लिए हो वो बंदों की खुशी के लिए नहीं शोहरत के लिए नहीं के लोग मेरी वाह वाह कर दें और अपने दिखावे के लिए नहीं रियाकारी के लिए नहीं ठीक 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 मतलब गवाही हो चाहे वो अपने भी खिलाफ क्यों ना जाती हो चाहे वो अपने किसी माँ बाप या रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना जाती हो लेकिन करनी होगी देनी होगी गवाही और आप ये देखिए ये हुक्म इतना आसान नहीं है इस पर इस पर अमल करना काफी मुश्किल है लेकिन अमल करना होगा ये अल्लाह का हुक्म है आप देखिए खासतौर पर आप घरेलू झगड़ों में देखें जायदाद वगैरह पे कि जो तकसीम होती है बहन भाई जो है वो देखते रहते हैं बाजात माँ बाप भी ये जुल्म कर जाते हैं कहीं कहीं तो दूसरे जो बहन भाई है वो देखते रहते हैं और वालदेन को समझाते नहीं है जुल्म से रोकते नहीं है और कहते हैं हम कैसे रोके हम कैसे समझाएं ये तो माँ बाप है देखे माँ बाप है तो क्या माँ बाप फरिश्ते तो नहीं है ना माँ बाप भी इंसान है ना उनसे भी तो गलती हो सकती है बाज लोग वाले और बाज लोग लो पता है क्यों नहीं समझाते कहते हैं हम तो जी इनका एहतराम करते हैं ये बड़े हैं तो इन्हें इन्हें खुद पता होना चाहिए और वो फिर गलत कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपना सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसे हालात में भी ऐसा रवैया हट जाना बीच में से कि नहीं ये तो सिर्फ माँ बाप का एहतराम खराब हो जाएगा अगर हमने सच बात बता दी या उनको समझा दिया नहीं वालदे अगर गलत कर रहे हैं और अगर दूसरे जो हैं वो नहीं बोलते मोहब्बत की वजह से या किसी भी वजह से तो ये रवैया गलत है ये रवैया गलत है आप गलत का साथ दे रहे हो खामोशी से ही सही तो जैसे कि घरों में ऐसा होता है कि अगर बेटा है उसकी शादी हो गई बहू आ गई घर घर में अब बहू बहू से आई है 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 बेटा बेटा अपना है, और लोग ऐसे मौकों पर बेटा जो है, वो के साथ अच्छा रवैया नहीं करता तो माँ बाप देख रहे हैं अब माँ बाप ये देख रहे हैं कि हमारा बेटा है वो अच्छा रवैया नहीं कर रहा तो क्या माँ बाप सिर्फ अपने बेटे के अपनाइय की वजह से और अपनी मोहब्बत की वजह से चुप रहे हैं? तो ये गलत है ना क्यों चुप रहे हैं वो बेटी है वो भी किसी की बेटी है वो आई है तो बेटे को समझाना चाहिए ना कि बेटा तुम्हारे लिए वो आई अपना घर बार छोड़ के तो तुम उसके साथ अच्छे रहो तो ये सास ससुर को भी ये हक बात करनी चाहिए वहां पर ये नहीं देखना चाहिए ये इस आयत की रोशनी में बात कर रही हूँ ये नहीं देखना चाहिए कि अगर बहु गलती करे उसको तो पकड़ लो उसको तो खेचो कई दिन तक मामले को खत्म ना होने दो अगर बेटा गलती करे तो इग्नोर कर दो उसको तो अगर जो कुरान को समझ के पढ़ते हैं तो अमल करते हैं तो ये आयत इस तरह के सारे मामला में इंसान को ये तर्ज देती है कि अगर ऐसे मौके पर हक बात न की तो यहाँ से, से पूरा पुर, सारे का सारा जो फसाद है ना बिगाड़ जो है वो यहीं से पैदा हो जाता है जब इंसान हक का साथ ना दे अपनी आंखों के सामने ज्यादा देखे और फिर चुप रहे तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया व इन कि तुमने कजी की या तुमने एराज बरता दोनों सूरतों में या तो तुमने दोनों सूरतों में पकड़ होगी तुम्हारी पकड़ होगी या अगर तुमने बात को कुछ का कुछ बयान कर दिया यानी जिसकी गलती थी उसकी गलती तो तुमने साबित होने ही नहीं दी बात को इधर उधर कर दिया और अगर तुम्हारे सामने कोई हो रहा है मामला और तुम उसको इग्नोर कर दो अनसुनी कर दो अनदेखी कर दो ना उसमें अपना समझाओ नहीं कि मैंने मैं क्यों समझाऊ उससे मेरा कोई तल्लुक थोड़ी है इसने तो मुझे बड़ा तंग किया हुआ पहले ही बड़ा तंग किया हुआ अच्छा है ना अच्छा है ना शामत आ अच्छा है ना तंग हो अब पता चला तो ये जो सूरत है ना पकड़ होगी फिर इस सूरत में ये पकड़ होगी क्यों क्योंकि हक की बात करने वाले पर लोग अमूमन ये होता है ना कि हक की बात नहीं करते लोग उनके उनके दिल में ये डर पड़ जाता है अगर हम हक की बात कुछ कुछ मौका, कुछ मामला ऐसे होते हैं हक की बात करते हुए लोग इसलिए डर जाते हैं भाई ऐसा लोग हमारे बारे में सोचेंगे इनका कोई अपना मफाद होगा ना इसलिए ये बीच में आ, बन रहे क्या कहते हैं सच बोलते फिर रहे हैं नहीं तो देखें बात ये करनी है कि इंसान को एक मुसलमान को अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक जीनी है ना अल्लाह ने जो हुक्म दे दिया है कि अल्लाह ने इस आयत में हक बात करने का हुक्म दे दिया ना तो हक बात करना है ये सारी सूरतें नहीं देखनी कि देखने रिश्तेदार है फल ये है फला फला तंग किया था या फला के साथ हमारी लड़ाई है या हमारा कोई फायदा है कि नहीं हमारा कोई नुकसान है ही नहीं तो फिर हम क्यों पड़े ये सब गलत है आपको हक बात करनी होगी अगर वाले भी गलत फैसला करे और आपके इलम में हो और आप, आप जरूर बाजत ऐसा होता है अदब करने, लोग अदब करें कुरान की इस आयत का हवाला दें इसका नंबर नंबर बताएं 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 अपना पारा बताएं, सूरा बताएं, उसका आयत बताएं, पढ़ के बताएं तर्जुमा बताएं तफसर बताएं अगर आपको बात करनी नहीं आती यहाँ पर बाज लोग कहते ना हम अब हम क्या करें हमसे तो इस तरह बोला ही नहीं जाता हमारे पास तो ऐसे अल्फाज ही कोई नहीं है हम कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए तो हम उनको सुनवा दें आप लिख के दे दें करें कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो भाई अगर आपको गुस्से से बाजूकात कोई दूसरा बंदा अगला बंदा बहुत घुसीला होता है वो हक बात सुनने की ताकत ही नहीं रखता तो आप उसके साथ कोई दूसरा तरीका इख्तियार करके बात को अल्लाह की बात को उस तक पहुंचा दे फिर उसकी मर्जी है फिर आगे तो ऐसे अल्फाजों में बताना चाहिए कि फसाद जो है वो बढ़े नहीं क्योंकि बाजाओकात अच्छा बाजा ऐसा होता है कि बताने वाले को यह भी डर होता है कि अगर मैंने बताया इससे तो और फसाद हो जाएगा खतरा हो जाएगा लड़ाई हो जाएगी मेरी और उसकी आपस में लड़ाई हो जाएगी बाजाओकात लोग फसाद से डरते ना जैसे ही मैंने कोई सच बात करनी है उसने उसको छोड़ के मुझे ही पड़ जाना है तो फिर ऐसा मसला हो तो फिर आप हक बात को कुरान के हवाले से बात करो आप कुरान की आयत का तर्जुमा और तफसीर सुनाओ के देखो भाई अल्लाह ने कुरान में यह हुक्म दे दिया कि चाहे तुम्हारी रिश्तेदारी है चाहे तुम अपना कोई फायदा है चाहे चाहे कोई वाले हक बात करो नहीं तो तुम्हारी भी फिर सिर्फ ये नहीं देखो बात को मोड़ तोड़ के भी पेश नहीं करो और उसमें खबीरा यानी कि तुम हक बात करोगे सच बात करोगे बताओगे जो कुछ होगा दोनों सूरतों में अल्लाह को पता है अगर और फिर यह है कि बात दोनों सूरतों में अगर आपने उनका साथ दिया तो भी अगर आपने उनके हक में सही गवाही दी तो भी अल्लाह को पता है जबान को तोड़ मोड़ के और बातों को तोड़ मोड़ के बातों के मायने बदल के कुछ का कुछ बयान किया तो भी ये याद रखना कि अल्लाह को पता है और अगर वहां से कन्नी कतरा गए कि छोड़ो कन्नी कतराओ यहाँ से बात करने की क्या जरूरत है कि तुमने क्या किया एराज तो रिधु कर दिया तुमने और अगर तुमने बात को बदल दिया तो तुमने तलबू कर दिया और अगर तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को रखा तो तबी उल हवा कर दिया तुमने पैरवी कर दी अपनी ख्वाहिश की तो फिर तुमने अदल नहीं कर सकोगे और अगर किसी की मालदारी देखी गनीयन या कर तो फिर, फिर उससे नहीं तुम छुप सकते दुनिया से तुम कन्नी कतरा जाओगे तुम छुप जाओगे तुम नहीं सामने आओगे तुम कई दिन तक वो हो जाओगे भाई मेरा क्या अल्लाह के यहाँ यह सब चीजें रोजाना लम्हा लम्हा तहरीर होती है और उसका हिसाब देना होगा